नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा टीम सीएलसी और आज हमारे साथ हैं रणवीर सर, हमारे मित्र। बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव डिवाइस। डिवाइस इसमें हम लोग ज्यादातर ऑप्टिकल आइसोमर और कन्फर्मर आइसोमर की बात की है। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चरल इनकी बात हमने लास्ट आइसोलेशन वन में कर रखी है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, जी सर। ठीक है। अगर हम बात करें तो अपने को इस फॉर्मूले को खोल के लिख लेते हैं सर। CHOH, CHOH, CHOH and CH2OH। इसी की ये फॉर्मूला था, इस कंपाउंड था, इसको सर ने ओपन करके लिख लिया। जी सर। अब बात करते हैं इसमें टोटल नंबर थ्री। पहले तो अपने देखेंगे सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, जी क्यों? सर। तो ये क्या है? एसिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल। और सर। इसमें सर काइरल कितने हैं? काइरल कार्बन की अगर हम बात करें तो 1, 2 and 3 है सर। थ्री। और फॉर्मूला क्या होता है? टू की फॉर्मूले के पावर लिए अगर हम बात करें तो SI के लिए फॉर्मूला निकाल लेते हैं सर। 2 की पावर n। एन, तो n आपने पास कितना है? 3 है सर। ठीक है। तो तो टू यूज की कर लेंगे, पावर 2 की पावर 3 इज इक्वल थ्री टू 8 आंसर आ एट जाएगा अपना। तो आंसर आपका सेकंड हो गया सर। ठीक है। सिमेट्रिकल है, कई बार सिमेट्रिकल में फॉर्मूला कई बार नहीं हाँ लिखते हैं, सर। लेकिन सिमेट्रिकल है तो उसके लिए फॉर्मूला है। जी सर। अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल के 2 की पावर n, सिमेट्रिकल के n इवन है, n ऑड है, जी इस तरह से फॉर्मूले हैं, जी सर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया शानदार सवाल है सर। क्वेश्चन, बिल्कुल। इससे पहले अपने इससे पूछा है कितने स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर, जी सर। ठीक है ना। तो एक तो बाईफेनिल वाली बात हल्की सी बात कर लेते हैं। अगर बाईफेनिल और यहां पे ए बी, ए बी या जी बी ए सर। ऐसा लगा जी सर। बसते हैं, यहाँ एफ और एच नहीं होना चाहिए, जी सर। तो यहाँ कोई बड़े ग्रुप लगे हैं तो एक तो स्पेस ओरिएंटेशन यहाँ पे हो जाएगा, जी सर। ठीक। यानी कि ये रिंग यानी कि ऑर्थो के ऊपर बल्कि ग्रुप आ जाता है तो एक रिंग आउट ऑफ प्लेन हो जाती है सर। बिल्कुल। तो कई बार कहा गया है कायरल, एक कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव जी आइसोमर सर। है, लेकिन इसमें कायरल कार्बन न होने के बावजूद भी हाँ, ये यानी कि ऑप्टिकल अपन कह एक्टिव सकते हैं सर विदाउट कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है। बिल्कुल कंपाउंड, यानी कि बिल्कुल। उसमें सिमेट्री नहीं है। तो ये अनसिमेट्री हो गई। मान जी लिया सर। ए बी लगा हुआ है, जी ये है सर। ऐसे ऐसे है, यहां से रिपल्सन हुआ, ये ऐसे हो गया। तो जी अगर इसको सर। काटते हैं तो यहाँ ए और यहाँ बी है, बी, तो ये अनसिमेट्रिक एसिमेट्रिकल। जी आ सर। गया। अब जी सर। तो एक तो ये हो गया सीधा, क्यों जी सर। सर? जी सर। एक अपना डबल बॉन्ड ये जी आई शो कर जी आई रहा शो है कर गया, क्योंकि स्टीरियो पूछ रखा ना, तो जी तो आई जी आई ओआई और ओआई दोनों, दोनों और ही। एक ये कायरल हो गया। अंश, जी सर। मोलिकुलर हाँ, मोलिकुलर फिर एन क्या है यहां भी सर? थ्री हो गया, एसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल है। जी टू की सर। पावर क्या हो गया? थ्री। थ्री और ये आंसर क्या हो गया? एट एट, आंसर हो गया सर। अपना आंसर आ गया फर्स्ट। फर्स्ट, जी सर। ठीक है। तो एक इसकी जानकारी, आगे भी इसके बारे में बात करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मीजो मीजो कमो कंपाउंड। सर, मीजो की थोड़ी बहुत बातें मीजो बताइए। की अगर हम बात करें तो मोर देन वन कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए और मॉलिक्यूलर सिमेट्री होनी चाहिए, चाहे उसमें पीओएस हो या फिर सीओएस हो। सही कहा, मीजो सिमेट्री, इन्होंने कही मीजो, ग्रीक वर्ड में मीजो को कहते हैं मिडल। मीजो का मतलब क्या होता है? मिडल। मिडल। और इसमें सीधी बात है, सिमेट्रिकल कंपाउंड और मिनिमम टू कायरल जी कार्बन, सर। है यानी कि ना, मोर टू से देन अधिक भी हो वन। सकते हैं, थ्री जी फोर फाइव सर। सिक्स। तो इसमें अपने देख लेते हैं, ये कायरल है, जी सर। ये कायरल है, जी। और इसमें सिमेट्री है, क्यों सर? जी सर। इसका मतलब ये मीजो कंपाउंड है। मीजो मीजो कंपाउंड, कंपाउंड सर मिरर इमेज भी नहीं बनाता सर, हाँ, यानी कि इसलिए उसके एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजल हो जाते हैं हाँ, सर। इसीलिए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। हाँ सर। बिल्कुल, यानी कि एक इसलिए इसमें अगर देखेंगे तो एक आर आएगा और एक एस आएगा, एक हाँ, दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है। तो इंटरनल नॉन कंपनसेशन की इंटरनल वजह कंपेंसेशन से हो गया ये सर। ऑप्टिकली इनएक्टिव। जी सर। इसके बाद इसमें चलते कायरल हैं, कार्बन ही नहीं है सर, यानी कि हाँ, यहां से बात करें तो इधर बी आर है सर, इधर CH2, CH2, इधर भी सेम आ गया, CH2, CH2 सेम है। इसका मतलब इसमें मतलब कायरल सिमेट्री तो कार्बन है लेकिन इसमें कायरल नहीं कायरल है, कार्बन इस नहीं है। वजह से इसका मतलब ये ये मिसो कैंसिल। नहीं हो सकता सर। इसके बारे में इसकी देखिए, बात करें तो सर इसमें कायरल कार्बन तो है बट है इधर क्या है CH3 और इधर क्या है एथाइल सिमेट्री ग्रुप नहीं, है। सिमेट्री नहीं हो सकती सर हाँ, बस इसमें। तो ये भी नहीं इसकी हुआ। अगर कायरल हम बात करें तो इसमें भी सिमेट्री नहीं है सर। कार्बन तो है, दोनों कंडीशन साथ होनी चाहिए, कायरल कार्बन तो है लेकिन इसमें सिमेट्री नहीं नहीं है। है, तो इसलिए आंसर अपना फास्ट आ फर्स्ट गया ही, सर। ठीक है। जी सर। नेक्स्ट नेक्स्ट पे बात करते हैं, फिर वही ऑप्टिकल एक्टिव वाले ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कंपाउंड। तो ऑप्टिकल एक्टिव के लिए कम से कम एक कायरल कार्बन है तो कोई लफड़ा ही नहीं, नहीं कोई लफड़ा एक नहीं है कायरल सर। कार्बन है तो सीधे हम ऑप्टिकल, एक ऑप्टिकली से अधिक एक्टिव। है तो हमें देखना पड़ेगा सिमेट्री सिमेट्री है या है कि नहीं। नहीं। अगर सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव हो और जाएगा। सिमेट्री नहीं है तो
ऑप्टिकल एक्टिव, तो सर इसको देखिए, इसकी अगर अपन बात करें तो इसके पास कायरल कार्बन तो है बट इसमें मॉलिक्यूलर सिमेट्री है सर, तो ये मिसो कंपाउंड हो गया, इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव, इसकी अगर अपन बात करें तो देखो ऑल फोर एटम क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, यानी कि फोर ग्रुप डिफरेंट है, इसका मतलब वो कायरल हो गया, और कायरल हो गया तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। इसकी अगर अपन बात करें तो ये मिसो है सर, सिमेट्रिकल आ गया। हां सर, और इसका मतलब इसमें तो कायरल ही नहीं है, इसका मतलब अपना आंसर कौन सा हो गया, सेकंड, ठीक है। तो वन कायरल कार्बन देखते हैं अपने, जी सर, या तो वन कायरल कार्बन हो गया ना जी, या फिर सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए, एब्सेंट होनी चाहिए, पीओएस सीओएस एओएस एब्सेंट की बात। बहुत बढ़िया सवाल है सर ये है, इसमें कंफ्यूजन क्या होती है, ये क्वेश्चन जब दिया गया था अपनों डीटीएस में भी इसको क्वेश्चन को डाला था एक बार, तो उसमें लोग क्योंकि एंटी गाउस पार्सिक्लेस फुल्लीक्लेस वो जल्दी से देख लेते हैं कौन सा एंटी है उस पर टिक कर देते हैं, लेकिन अपना इसमें स्ट्रक्चर आप देखो जी सर, सी एस थ्री एक कार्बन इसको माने हम, एक इसको माने जी सर कंफर्मर के लिए, तो एक कार्बन पे थ्री हाइड्रोजन और एक पे दो सी एस थ्री वन एच, हाँ जी सर, तो ये तुम्हें आपको एंटी दिख रहा है जी, लेकिन यहाँ पे टू सी एस थ्री वन एच और थ्री एच वाली यानी कि ब्यूटेन हो गया सर ये, हाँ ये होगा ही नहीं सर, इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं, फ्रंट वाले कार्बन को अल्फा मान लेते हैं, हाँ, बैक साइड वाले कार्बन को बीटा मान लेते हैं, तो अपन यूं भी बना सकते हैं कि अपने फ्रंट वाला कार्बन क्या देखा है कि इसके ऊपर टू सी एस थ्री आ जाएंगे, एक ये सी एस थ्री है और एक सी एस थ्री और एक अपने पास एच, और बैक साइड वाले कार्बन में हर क्या आ जाएगा, एच 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 आ जाएगा, इसका मतलब ये भी देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें कौन सा आ रहा है इस आप लोग, मतलब इसमें एक कार्बन पे आपके फ्रंट और बैक, एक पे दो सी एस थ्री एक एच और एक पे थ्री एच, तो वही होगा, तो वही कंपाउंड ये है जी सर, हाँ, तो इसमें जल्दी में एंटी नहीं आपको देख के बताना है, तो आंसर अपना हो गया सेकंड, हाँ सर, वैसे ही भी देख सकते हैं ना नंबर ऑफ कार्बन से, हाँ बिल्कुल, हाँ कितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग चल जी सर। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ इसमें कायरल कार्बन, कायरल कार्बन की बात हो, आओ मैंने कायरल कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड सोल मिलो, तो सर कायरल देखिए इसमें जी सर, यहां से अगर अपन बात करें तो ये कायरल नहीं है बट ये कायरल है, देखो सर, अब क्या करते हैं सर, कई लोग छोड़ देते हैं, बच्चे क्या कर देते हैं, यानी कि इधर CH2 देखा, इधर CH2 देखा, इसका मतलब भी कायरल नहीं है, पूरा आगे सब देखना है, आगे और चलेंगे, अगर अपने यहां से देखें तो ये देखो सर डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इसका मतलब ये भी क्या है, कायरल है, ये भी कायरल, ये भी कायरल, कायरल ये भी कायरल और ये भी कायरल है सर, यानी कि इधर एथाइल, इधर CH3 और इधर एस्टर ग्रुप अटैच है, और ये भी कायरल है सर, तो टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन 8 हो गए जी सर, हाँ। तो एक बात और बेटा, यहाँ पे एस, ये देखो ये sp2 होने की वजह से कायरल नहीं जी सर, डबल बॉन्ड आते ही तो सर उसकी टू वैलेंसी सेम हो गई, ठीक, तो इसलिए यहाँ पे मतलब ये कायरल नहीं है, ये जहां पे स्टार लगा हुआ वही क्या है, कायरल है जी सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाँ इसके बारे में थोड़ी सी बात, RS कल्चर, RS देखिए एक बार ऐसे बता देते हैं आपको इसका नॉर्मल बात, फिर यहाँ पे सपोज आई जी सर, बी आर लगा CL हुआ है, और एफ लगा हुआ है, तो आप CIP रूल के हिसाब से नंबरिंग कर लीजिए पहले जी सर, तो 1 2 2 3 3 4 और ये 4 जी सर, 1 से कहाँ जाएंगे 2 जी सर, इसका मतलब ये कैसा हो गया सर, एंटी क्लॉकवाइज एस हो गया, एस हो गया जी सर। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे कि सबसे छोटा ग्रुप हमारा डैश 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 लाइन पे होना चाहिए, तो डैश पे है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, अगर जो डैश पे नहीं होता सपोज यहाँ पे होता ही तो वन जंप को उल्टा कर देंगे, तो एस आता तो आर कर लेते हैं, आर आता तो एस कर देते, अगर टू स्विच पे कोई चेंज नहीं है जी सर, ठीक, तो इसकी बात करते हैं क्वेश्चन की जी सर, यहाँ पे अगर अपन बात करें, अगर वही नंबरिंग की बात करें तो 1 2 2 इसको 3 और हाइड्रोजन ये को 4, अब देखो सर लोवेस्ट यानी कि जूनियर मोस्ट ग्रुप सर डैश डैश लाइन पे नहीं है, मतलब कॉन्फिगरेशन उल्टा कर देंगे सर, बिल्कुल, अब 1 से हम इधर गए 2 एस आया, लेकिन ये डैश पे होना चाहिए, डैश पे नहीं है, इसलिए क्या हो गया, एस का आर हो गया सर, आर हो गया जी सर। कलर चेंज कर लेते हैं हम जी सर, इसकी नंबरिंग करते हैं OH को फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड, थर्ड और ये 4 जूनियर मोस्ट ग्रुप डैश डैश लाइन पे है सर, 1 से इधर गए क्या आ गया, आर, और इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि सबसे छोटा ग्रुप
हमारा फोर्थ नंबर डैश पे डैश डैश लाइन पे है, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या जाएगा आर, मतलब आंसर अपना क्या हुआ सर? जी सर आर आर हो गया। समझ गए बेटा, आपको सीआईपी नंबरिंग करनी है, राइट साइड आर, लेफ्ट साइड एस, ये ध्यान से देखना है कि सबसे फोर्थ नंबर का ग्रुप हमारा डैश पे है कि नहीं। अगर डैश पे है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, डैश के डैश पे नहीं है तो चेंज कर। या फिर सर यूं अपन बनाएं फिशर फॉर्मूले में तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि वर्टिकल लाइन पे बिल्कुल जूनियर मोस्ट ग्रुप होना चाहिए। हाँ, हॉरिजॉन्टल पे तो चेंज करते। जी सर, नेक्स्ट की बात आगे, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। जी सर, अब इसमें अपन चार ऑप्शन, इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। ये करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन लिखा है? नहीं है सर, नहीं, क्योंकि अपने बात की थी पिछले वाले एपिसोड में भी बात की थी अपने कि यहाँ पे नंबर वन कार्बन होना चाहिए टू आईयूपीएससी। तो इसका अगर जो करेक्ट इसको करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन करें तो सर, क्या होगा? अगर अपन उल्टा कर देंगे इसको 180 पे रोटेट कर देते हैं सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना सी डब्ल्यू एच ओ एच, ठीक है, नीचे और यहाँ पे क्या आ जाएगा सी एच ओ। अब ये ओ एच क्या हो गया सर? इधर चला गया, इसका मतलब यहाँ पे ओ एच और यहाँ पे एच, और ये यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये क्या है एल, लेफ्ट हैंड साइड में है तो क्या यूज कर देंगे एल, इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया सर। इनकरेक्ट हो जी सर, बाइफेनिल इज ऑप्टिकली एक्टिव, बाइफिनाइल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होती सर। हाँ, इसमें कोई ग्रुप लगाते हैं तब होता है। हाँ सर, ऑर्थो के ऊपर बल्कि ग्रुप आते ही एक रिंग आउट ऑफ प्लेन हो सर। अब ये प्लेन है सर, इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये भी अपना क्या हो गया स्टेटमेंट गलत हो गया। ये भी देखो, ये भी एच एच सेम आ गया ना एक कार्बन। जी सर, तो सी डबल बॉन्ड सी, अगर यहाँ पे ए बी होता जी सर तब ये ऑप्टिकली एक्टिव होता, लेकिन यहाँ पे ए बी नहीं है, ए है, तो ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हुआ। जी सर, ठीक, ये देखो सर, यानी वाली बात ए बी वाली। हाँ जी सर, यहाँ पे ए लगा हो, यहाँ पे बी लगा हो, यहाँ पे ए बी या यहाँ पे बी और ए, जी सर, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जी सर, या बाइफेनिल में इस टाइप की सिचुएशन भी हो, सेम ग्रुप आ जाए तो ऑप्टिकली क्या हो, इस टाइप की सिचुएशन हो तो भी प्लेन, हाँ तो भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, मतलब n greater than 2, 3, 4 आ जाएगा हम यहाँ पे तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो बाइफेनिल की बात अपन कर ली। जी सर, क्या कहा एक बार नॉर्मल बात सुने, बाइफेनिल है यहाँ पे a, जी सर, a b लगा हो, या यहाँ पे देखिए CH2 अगर सिंपल एक हो, यहीं पे इस टाइप की सिचुएशन हो तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर कोई डिफरेंट है, चाहे चाहे डिफरेंट ही है तो रिपल्सिव ऐसे हो गया, और टाटा आप लोगों ने तो ए आ गए। जी सर, बात करना चाह रहे जी सर, जी सर, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव अच्छी बात हुई। ठीक है, तो अपने तीनों बातें यहाँ पे होगी। हाँ, ए यहाँ तो गया तब तो और नहीं होगा। जी सर, ठीक, चले आगे। तो आंसर यहाँ पे अगर अपन बात करें तो वही आउट ऑफ प्लेन हो गया सर, तो इसका मतलब इसमें सिमेट्री नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ये राइट बात है सर। मतलब अपना डी ऑप्शन आ जाएगा सर। ठीक है सर, जी अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत बढ़िया सवाल था सर। नेक्स्ट मीजो, वही बात हो गई अपनी। जी सर, मीजो मिनिमम टू कायरल कार्बन और सिमेट्रिकल कंपाउंड। देखिए सर, इसमें इसमें तो कायरल नहीं है सर, और इसकी अगर अपन बात करें तो ये मीजो नहीं है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है, यानी कि सिमेट्री नहीं है। और इसकी अगर अपन बात करें तो कायरल ही नहीं है सर, और ये देख लो सर सिमेट्री है, इसका मतलब ये क्या मिलेगा अपने को, मीजो कंपाउंड मिल जाएगा। बिल्कुल सही, तो अपना आंसर हो गया फोर्थ। जी सर, नेक्स्ट ये बहुत बढ़िया सवाल है सर, इसमें रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब अपने को पैरेलल देखना है। जी सर, ऑप्टिकल एक्टिव हो तो कायरल देखिए सर। इसकी अगर अपन बात करें तो ये दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हो गए, कायरल कायरल नहीं हो सकता। इसकी बात करें तो सर यहाँ पे कायरल नहीं, तो यहाँ पे एथाइल और यहाँ पे एथाइल, ये भी कायरल नहीं है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर सिमेट्री है सर, सिमेट्री। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये कायरल कार्बन है, अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? एक नॉर्मल बात कर लेते हैं, चेयर बोट में सर, चेयर
चेयर मोर स्टेबल होती है। एक्सेल इक्विटोरियल में इक्विटोरियल मोर स्टेबल होती है क्योंकि एक्सियल पे 1-3 डाई एक्सियल रिपल्शन हो जाता है सर, ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो कुछ चेंज हो सकता है सर, नहीं तो नॉर्मल है। तो अपने इक्विटोरियल की बात करनी है, इक्विटोरियल कौन सी है? ये तो सर बोट फॉर्म हो गई थी, इसका मतलब इसकी कहानी की खत्म हो गई। यहाँ पे बात स्ट्रक्चर पोटेंशियल मिनिमम कह रहा है, मतलब कौन मोर स्टेबल। हाँ सर, जहाँ पे मतलब लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे वहाँ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब लड़ाई झगड़े कम होने चाहिए, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बिल्कुल। तो ये अपना यहाँ पे अगर अपन बात करें सर, एक तो क्या है इक्विटोरियल पे है और एक एक्सियल पे है, इसका मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो 1-3 डाई एक्सियल रिपल्शन हो जाएगा। बिल्कुल। तो पोटेंशियल एनर्जी, तो इक्विटोरियल तो हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा ना, जिसकी पोटेंशियल, यहाँ भी एक्सियल एक्सियल है, कैंसिल करो। तो आप सीधे काम चेयर और बोट फॉर्म में चेयर मोर स्टेबल, एक्सियल इक्विटोरियल में इक्विटोरियल। हाँ, इक्विटोरियल बेटा ये इक्विटोरियल है, अगर यहाँ कुछ लगा है ऐसे, ये इक्विटोरियल है जी सर, और ये आपका क्या है एक्सियल, एक्सियल है सर। तो इक्विटोरियल और एक्सियल में इक्विटोरियल इज मोर स्टेबल, ठीक है ना, कि उसमें 1-3 डाई एनर्जी रिपल्शन नहीं होगा। बिल्कुल। लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी सर, ज्यादा होगी जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है सर, सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग सर अभी ई जेड बताएंगे आपको, लेकिन उसके पहले ई, ई मतलब एंटीजन, जेड मतलब जूसामेन जी सर। सीनियर ग्रुप According to CIP, जी सर, अपोजिट होगा तो E यूज करेंगे और सेम साइड होगा तो Z। तो सर देखें इसमें, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखो यहाँ पे मल्टीपल बोन है सर, तो इसका मतलब अनसेचुरेशन है, अनसेचुरेशन है तो यहाँ पे अपन देखेंगे सी डबल एच को फर्स्ट नंबर मिलेगा और इसको सेकंड नंबर मिलेगा। और यहाँ पे बात करें तो अनसेचुरेशन है दोनों में, इधर कार्बन है और इधर नाइट्रोजन है, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको क्या मिलेगा फर्स्ट नंबर और इसको क्या मिल जाएगा सेकंड नंबर। तो सेम ग्रुप सर, सेम साइड में है, इसका मतलब जेड कॉन्फिगरेशन हो गया। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इसमें अनसेचुरेशन है, अनसेचुरेशन है तो फर्स्ट नंबर और इसको क्या मिल जाएगा सेकंड नंबर। यहाँ डायरेक्ट सीएल अटैच है और यहाँ से डायरेक्ट कार्बन अटैच है, तो एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा है और इसका क्या है कम, इसका मतलब ये भी क्या हो गया जेड कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखो सर, यहाँ CH2 है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री जी सर। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये 2 डिग्री कार्बन है, तो फर्स्ट नंबर इसको मिलेगा और सेकंड वही सीआईपी रूल की बात है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, जो मैं आपको बताया जा रहा है। यहाँ नाइट्रोजन से डायरेक्ट अटैच है तो फर्स्ट नंबर और यहाँ पे सेकंड नंबर, इसका मतलब ये भी क्या हो गया सर जेड। यहाँ पे देखो सर, कार्बन से अटैच है और यहाँ से ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच है, इसका मतलब इसको फर्स्ट नंबर और इसको सेकंड नंबर। और यहाँ पे क्या है सर, COCO तो सेम है दोनों में, यहाँ CL और यहाँ OH है, इसका मतलब इसको फर्स्ट नंबर और इसको क्या अपोजिट आ गया सेकंड नंबर, इसका मतलब E हो गया, इसका कॉन्फिगरेशन यही अपना आंसर हो गया, ठीक है जी। तो ये EZP की सिस्टमेटिक बात हो गई, CIP रूल, हायर एटॉमिक नंबर हायर प्रायोरिटी, जिसका एटॉमिक नंबर है उसको, इफ फर्स्ट एटम इज सेम देन कंसीडर सेकंड एटम, ठीक, बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर जी सर, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, हायर मास आइसोटोप हैज हायर प्रायोरिटी, इसी पे अकॉर्डिंग पे बात कर लेंगे। सीनियर ग्रुप सेम साइड जेड जैसा आपको दिखाया गया इसमें, और ये लास्ट वाला क्या है ई, तो आंसर अपना हो गया जी सर, ठीक है। नेक्स्ट बात इसमें कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइसोमर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन, ठीक है, फ्रैक्शन डिसिलेशन शायद सर वो तो बात नहीं कर रहा, यानी कि जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी तो फ्रैक्शन डिसिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, उनको कर सकते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी उनको नहीं कर सकते, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है उसको उनको कर सकते हैं। मान लो सर सिस और ट्रांस, यानी कि डायस्टेरियो में वो जेनेटिकल में अपने करते हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी डायस्टेरियो में भी करते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, ये सर का स्ट्रक्चर बनाया, अगर अपन बात करें तो सर वो सीस और ट्रांस वाली तो बात मिल गई, तो मेलेइक फिर गया तो फ्यूमेरिक, यानी कि तो ये ज्योमेट्रिकल है, यहाँ सी डबल ओ एच और यहाँ पे क्या जाएगा एच और ये सी डबल ओ एच, ये तो सीस फॉर्म है सर, तो इसका मतलब ट्रांस फॉर्म हो जाएगी सर, यहाँ पे क्या जाएगा सी डब्ल्यू एच और यहाँ पे भी क्या जाएगा सी डब्ल्यू एच, इसका मतलब ये तो सिस और ट्रांस हो गए सर, बिल्कुल, ये तो डायस्टेरियोमर हो गए, डायस्टेरियोमर हो गए, ज्योमेट्रिकल इसको प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसको अलग हम कर सकते हैं, इसको तो कर सकते हैं सर, टार्ट्रिक एसिड, मेजो टार्ट्रिक एसिड, ये आपस में डायस्टेरियोमर होंगे सर, तो इसको अपन बात करें तो ये आ जाएगा सर, यहाँ पे सी डब्ल्यू एच, यहाँ पे ओ एच ओ एच, ये तो सर क्या हो गया मेजो टार्ट्रिक एसिड एच और एच जी सर, यहाँ पे अगर अपन बना दें तो यहाँ पे OH, H और ये क्या जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे COOH और यहाँ पे भी COOH, तो
इन दोनों का रिश्ता सर डायस्टेरियोमर हो जाएगा। डायस्टोमर, डायस्टोमर को भी सेपरेट कर सकते हैं जी सर, लेकिन आपने पूछा है कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो ये भी अपना इसको हटाते हैं। जी सर, अगला है ब्रांच निकल जाए सर, उसका भी बीपीएमपी क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाएंगे, तो इसको भी कर सकते हैं। जी सर, अब आता है लैक्टिक एसिड प्लस वन, मतलब एनेंसोमर हो गया मेरे को। जी सर, यहाँ पे अगर बात करें तो OH, H और यहाँ पे CH3, इसका मतलब क्या आ जाएगा सर, ए काइरल कार्बन है तो एक डी और एक एल होगा, और डी और एल के इसको अपने प्रॉपर्टीज सेम हो गई, तो इसको अपने सेपरेट नहीं कर सकते। जी सर, मतलब आंसर अपना क्या हुआ, फोर्थ हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, ये भी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि हर ऑप्शन को आपने को डील करना पड़ा। जी सर, तो नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, ये एक पेन ऑफ सिमेट्री है, आप सीधे किसी लाइन को ड्रॉ करके काटो, उसको दोनों तरफ क्या हो जाए सेम, जैसे ये वाली बात हुई। जी सर, ठीक है। जी सर, तो इसमें क्या आ गई, पीओएस सिमेट्री होगी सर। इसमें सर बताएं, इसमें सर ये काइरल कार्बन है सर, काइरल कार्बन है, इसका मतलब अपने इसको बीच में से नहीं काट सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर काटेंगे तो ये डबल बोन है और यहाँ डबल बोन भी नहीं है, और ये क्या है सर, एक ऊपर है और एक इसी प्लेन में है, यहाँ पे अगर पार्ट करें तो सर ये ट्रांसपोजिशन है, नहीं काट पाएंगे सर, यानी कि एक यू है और एक यू है, मतलब अगर ये हम कह रहे हैं दोनों में ऐसे कर लेते हम तो हो जाता, तो हो जाता सर, या फिर दोनों में हम डैश लगा देते तो हो जाता, कंपाउंड दे रखा है। जी सर, अगर किसी एक कंपाउंड को हम 180 डिग्री घुमाते हैं तो सेम वही बन जाएगा, किसी को इसको घुमाते हैं तो ये बन जाएगा, इसको घुमाते हैं तो ये बन जाएगा। जी सर, मतलब ये आइडेंटिकल है सर। इसके बारे में कुछ और कहना चाह रहे हो? बस सर, यानी कि ये मीजो कंपाउंड है और मीजो कंपाउंड एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोसिबल हो जाते हैं, इसका मतलब मिरर इमेज बनाएंगे नहीं, तो इसका मतलब एक जैसे मिलेंगे। अगर दूसरे कोई कंपाउंड जिसमें पीओएस सीओएस नहीं होती, इसका मतलब वो क्या हो जाते हैं, इनेंसियोमर हो जाते हैं। तो ये इसका ये क्या हो गया, आइडेंटिकल। सीधी बात अगर अपने एग्जाम ओरिएंटेड बात करें, सीधे 180 डिग्री आप रोटेट कर दो और वही आंसर, वही चीज। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है सर। C2H2FClBri जी सर, के स्ट्रक्चर आइसोमर बनाने हैं, ये तो आपको सर बनाने ही पड़ेंगे। जी सर, तो बना के, यानी कि इसमें DU है क्या सर, DU की बात करें तो 0 आएगी या 1 आएगी, FClBr निकाल के एक बार देख लेते हैं, 6 के 6 है सर, 0 मिलेगी, 0 मिलेगी, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, अपन U बना सकते हैं, CH की अपन 2 लगा दें, और एक पे क्या लगा दें, फ्लोरीन, एक पे क्या लगा दें अपन Br, और एक पे क्या लगा दें I। जी सर, और यहाँ पे अपने क्या जाएगा, सीएल। अब अपन क्या करेंगे सर, इसके आइसोमर बनाने के लिए एक बार आपने सीएल लगाया है, इधर इधर, इधर इधर यूं कर देंगे, फिर दो दो का जोड़ा बना देंगे सर, तो ऐसे करके हमें लगता है 7 बन जाएंगे, 7 आइसोमर बन जाएंगे। ठीक है, बना लगो बेटा, इसको एक एक को चेंज करना है, और डीयू निकालने के लिए C2H2FClBri है। जी सर, ठीक है, तो सभी हैलोजन रिप्लेस करके हम वहां क्या कर देंगे, हाइड्रोजन कर देंगे। अब वो फॉर्मूला लगा लो, या कार्बन के रिस्पेक्ट में एल्केन हाइड्रोजन घटाओ, दो से डिवाइड करो, तो C2H2 × 2 + 2 क्या आ गया, C2H6 आ गया सर, 6 में 6 दे, 0 आ गया, 0 आ गया सर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया सवाल है सर, अब इसके फिर हम बात कर रहे हैं कॉन्फिगरेशन का। ठीक है, इसमें हम फिर वही काम करेंगे, नंबरिंग करेंगे। जी सर, 1 से 2 गया, दाईं तरफ R, बाईं तरफ S, एस, ध्यान से देख लेंगे सबसे छोटा रूप हमारा डैश पे है कि नहीं। ठीक है, ठीक है सर, तो इस तरह देखेंगे अपने, यहाँ पे अगर हम बात करें सर तो 1 नंबर इसको मिल जाएगा। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसको तो फोर्थ नंबर में देखते हैं, सेकंड नंबर किसको देंगे सर, इसको और ये थर्ड नंबर इसको। अब 1 से हमें 1 से हमें 2 में, लेकिन यहां 1 से 2 वाली बात नहीं है, 1 से किधर जा रहे हैं, 4, 1 2 1 से 4 जाएंगे, ये क्या आ रहा है, 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा गया, और सबसे छोटा ग्रुप डैश में है, तो हमें कोई चेंज की आवश्यकता नहीं है, तो इसका क्या आ गया, आर, इसकी नंबरिंग करें। इसकी अगर हम बात करें तो सर फर्स्ट नंबर इसको देंगे, सेकंड नंबर की बात करें तो सर इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर ऑक्सीजन और इधर सल्फर है, इसका मतलब क्या जाएगा, सेकंड नंबर, मॉलिक्यूलर वेट, इसको थर्ड नंबर मिल जाएगा सर, और इसको क्या मिल जाएगा, फोर्थ नंबर, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज हो गया सर, ये डैश डैश पर नहीं है सर, नहीं है, नहीं, एस तो आ गया। जी सर, लेकिन ये डैश पे नहीं है, कितनी जंप करोगे, 1 जंप, तो एस का क्या हो गया, आर हो गया सर। इसकी करिए, इसकी अगर अपन बात करें तो देखें सर, यहाँ पे कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तीनों कार्बन कार्बन है, आगे बढ़ते हैं कार्बन, फिर आगे कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, इसका मतलब फर्स्ट नंबर इसको मिल जाएगा,
और इधर अनसेचुरेशन है इसका सेकंड और इधर थर्ड और इधर फोर्थ हो, फिर 1 2 3 4 यानी कि जूनियर मोस्ट ग्रुप डैश डैश लाइन पे है सर, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, जैसा था वैसे का वैसा ही रहेगा। दाईं तरफ आर डैश पे है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है, मतलब आंसर क्या हो गया, आर आर आर, ठीक है। तो आर एस के इंपॉर्टेंट है ये, इससे हम कई चीजें देख सकते हैं इन एंसोमर डायस्टोमर, इसलिए आर एस आपको आना जरूरी है। जी सर, नेक्स्ट बात करें, बहुत बढ़िया सवाल है सर ये भी, मॉलिक्यूलर सिमेट्री का पूछा गया है, सममित केंद्र रखता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पूछी गई है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात हम बता दें नॉर्मली, फिर उसके बाद बात करना। ये है कोई भी है, सी एल सी एच, जी सर, सी ओ एन एच एन एच सी ओ सी एच एच सी एल, जी सर, ये है। अब इसमें हम थोड़ी सी आपको बताने के लिए कलर चेंज कर रहे हैं, यहां से चले सेंटर में, जी सर, रुक गए और उतनी डिस्टेंस चले फिर वही एटम मिल जाए सबके साथ, तो वो क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। जी सर, यहां से चले, अगर सर एक के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होता इसका मतलब उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, नहीं है, कहीं भी हर पूरे एटम पे होना चाहिए। देखिए अगर सर मैं यूं कर देता कि यहां सीएल लगा देता और यहां एच लगा देता तो क्या सर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। अच्छा, ये बात थी। हां, तो यहां क्योंकि यहां जाते तो वो एटम नहीं मिलता। जी सर, ठीक है, तो इसमें सर चेक कर लेते हैं अपने। जी सर, इसमें तो वही वाली बात होगी सर, CH3 के ठीक सामने CH3 NH है, NH जी सर, इसका मतलब इसमें तो सिमेट्री है सर, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब ये चेक करिए, जी सर, इसकी अगर अपन बात करें तो ये इसी प्लेन में रहेगी सर, इसका मतलब इसको अपन काट सकते हैं, यानी कि प्लेन में है तो इधर गए तो क्या मिला, CL, CL वही चीज आ गई, इधर गए CL, इधर CH2, इधर CH2 आ गया सर, इसका मतलब इसमें भी सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें भी है सर, इधर गए अपने क्या मिला सर, BR, इधर गए CH3 और HCl, ये एक जगह बेटा, एक जगह इसको अप्लाई नहीं कर सकते, कहां पे, फिसर। हां सर, हां नहीं, यहां नहीं कर सकते, नहीं तो कई लोग कह देते हैं सर कि इसमें भी थी, सही बात, यहां CL, इधर HCl, अब इसमें COS वाली बात नहीं करेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। जी सर, सर जी सर, ठीक है, तो इसमें आंसर हो गया अपने चारों, हो गए तो आंसर फोर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, जी सर, बहुत बढ़िया सवाल है सर, क्लोरिनेशन करना है इसमें, जी सर, ठीक है, क्लोरिनेशन करके आप आइसोमेरिक प्रोडक्ट पहले बनाइए, जी सर, C4H10 DO निकालेंगे तो 0 आएगी सर, इसका मतलब इसके 2 आइसोमर बना सकते हैं, कौन कौन से सर, CH3 CH2 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 CH3, एक तो ये N ब्यूटेन हो गया सर, और दूसरा अपन क्या बना सकते हैं, आइसो CH आइसो वाले CH3 नीचे, जी सर। अब अगर अपन बात करें तो सर इसमें टाइप ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन की बात आ जाती है, इसकी अगर अपन बात करें तो 1 डिग्री है और ये क्या है, 2 डिग्री, तो इसका अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कर देंगे CH3 CH2 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 और यहाँ पे CL आ जाएगा सर, और दूसरी बात करें तो CH2 CH CH3 और यहाँ पे CL आ जाएगा सर, तो ये आइसोमर बन गए सर अपने, तो ये टोटल तो चारों में दोनों के बना दिए गए, जी सर, ये अब टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर तो अपने 4 बने हैं। अब इसमें कायरल कार्बन ढूंढ लेते हैं सर, ये कायरल कार्बन है सर, इसके 2 हो गए, इसका मतलब इसका डी और एल दोनों हो गए, और किसी में कायरल कार्बन नहीं है सर, नहीं है सर, CH3 CH3, इसका मतलब टोटल प्रोडक्ट तो कितने मिल गए, 5, ठीक है। और अगर अपने बात करें फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की, तो DL को अपन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब इन दोनों को एक ही मानेंगे, जितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बने हैं इसका मतलब उनका बीपीएमपी डिफरेंट होगा, मतलब 5 को अपन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, तो 4 आ जाएगा सर, तो 5 तो हो गए, ये वाली चीज प्रोडक्ट और इसमें उसको ये DL वाली चीजों को एक मान लिया गया, जी सर। नेक्स्ट बात करते हैं DL, सिंपल करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन के राइट साइड डी, लेफ्ट साइड एल, इसको हम करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन बनाए सर, जी सर, ये CHO कहां चला जाएगा, यानी कि ये सर अक्षय कुमार बना बैठा है, हाँ, CH2OH, ये गया, जी सर, ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ इधर H आ जाएगा सर, H, यहाँ OH आ जाएगा सर, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, तो ये क्या हुआ, जी सर, यानी कि यहां से देखते हैं अपन, हाँ, तो ये लास्ट है डी एल, कौन सा है, ये हो गया एल, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, अगले फिर इसको घुमाते हैं, फिर इसको 180 पे रोटेट कर देंगे सर, 180 पे रोटेट कर देंगे तो ये दोनों OH इस साइड में आएगा, CHO ऊपर जाएगा, CH2OH, तो इसका मतलब इसका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा सर, किसमें, इसकी अगर हम बात करें तो ये भी राइट फिशर फॉर्मूला नहीं है सर, पहले तो इसको करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन यहां पे होनी चाहिए थी, तो अगर अपने इसमें इवन नंबर में स्विच कर दें तो ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा OH H, इसको अपन यहां ले आए तो क्या आ जाएगा CH2OH, और ये यहां पे आ जाएगा, इसका मतलब यहां पे H आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा OH, इसका मतलब ये क्या हो गया सर, L हो गया,
मतलब LDL LDL कहां पे है LDL ठीक है बेटा जी सर जो करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन नहीं है इसको ऐसे रोटेट कर ले उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है 180 किसी घुमा दो कोई दिक्कत की बात पूरे मॉलिक्यूल को सर अगर यानी कि अक्षय कुमार बना बैठा हो ऊपर टांगे कर रखी है तो उसको वापस कर दो ऊपर सिंपल सा क्वेश्चन है इस पूरे क्वेश्चन में सबसे सिंपल ये आपसे सिंपल पूछा गया कायरल कार्बन तो आप ये देखो ये है कंपाउंड यहां क्या हो गया सेम और ये तो CH3 है 3 हाइड्रोजन ये CH2 है 2 हाइड्रोजन सब सेम है तो इसमें सर क्या हो गया आंसर 0 हो गया सर 0 बटा सन्नाटा है इसके पास हां नेक्स्ट की बात बहुत बढ़िया सवाल है सर ये भी बिल्कुल ए ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ साइक्लोब्यूटेन 1-2 डायोल हैज लोअर सॉल्वेबिलिटी इन वाटर देन इट्स स्टीरियोमर व्हिच इज दिस आइसोमर एंड व्हाई जी सर यानी कि अगर अपन इसके बनाएंगे तो ब्यूटेन अपने सिस वाली बात करते हैं जी सर एक तो अपन बना लेते हैं सिस यानी कि दोनों के दोनों या तो फ्रंट पे हो यानी कि या फिर डैश डैश लाइन पे हो और एक अपन क्या बना देंगे ट्रांस बना देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा सर एक OH आ जाएगा तो ट्रांस वाले में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं होगी नहीं और सिस वाले में क्या हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें तो क्या हो जाएगा सर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर और इसमें इंटर होगी आंसर आपका क्या हो गया जी सर ठीक है नेक्स्ट चलते हैं ये भी बहुत अच्छा सवाल है सर समरूपण जी सर कंफर्मर आइसोमर इसके बाद इसमें पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है देखो कंफर्मर आइसोमर बनाते हैं तो एक दूसरे से इंटरकन्वर्टेबल वाली बात है इसको हम सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है नहीं कर सकते इसको यानी कि फ्रैक्शन डिसोसिएशन से सेपरेट नहीं कर सकते मतलब इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका यानी कि इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती हैं सेम होती हैं सेपरेट नहीं कर सकते हां तो इनको आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं तो इसको सेपरेट नहीं कर सकते ठीक है जी सर नेक्स्ट बात करते हैं मोर स्टेबल की बात हो रही है सर मोर स्टेबल कंफर्मर की बात हो रही है सिंपल है अगर जो एन ब्यूटेन का तो एंटी गाउस पार्सिक्लिस फुलिक ध्यान से सुन लो बेटा अगर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई तो गाउस मोर ठीक है ना जी सर तो इसमें हम कंसीडर करेंगे तो इसमें एंटी तो है जी सर लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग गाउस ही है तो ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सर है लेकिन कोई एंटी नहीं एंटी नहीं यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो गई और एंटी भी हो गई इसलिए मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा थर्ड तो दोनों चीजें अपनों देखनी जी सर दोनों अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला आ गया तो गाउस फॉर्म मोर स्टेबल और नहीं तो एंटी साथ में इसमें है यानी कि सर वही वाली बात होगी कि स्ट्रेन भी कम होनी चाहिए और कुछ ना कुछ होना भी चाहिए बिल्कुल बात सही तो स्ट्रेन भी कम होनी चाहिए और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है तो दोनों में मजा आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं थर्ड ईजेड जी सर ईजेड आप देखो इसमें ई की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट नंबर किसको देंगे सर इसको और सेकंड नंबर इसको भाई सीनियर ग्रुप सेम साइड तो जेड अपोजिट है तो इसका मतलब क्या है इसका कॉन्फिगरेशन जेड इसकी बात करें तो फर्स्ट नंबर इसको सेकंड इसको फर्स्ट इसको सेकंड इसको आ गया ई तो इसका मतलब क्या आ गया ई इसकी बात पूरी बात अपनी आंसर हो गया ये तो सर जीए शो नहीं कर सकता था इसका मतलब कारण सेम ग्रुप तो ईजेड का सवाल ही नहीं उठता जी सर ठीक है इसमें फर्स्ट ये फर्स्ट ये सेम साइड है जी सर जेड हो गया ठीक है जी सर नेक्स्ट बात द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बोनेटर शुड कंटेन द ऑर्डर ऑफ एल्केन एल्केन की एल्केन ऑप्टिकल एक्टिव एसिड मतलब हम कायरल बना रहे हैं जी सर सी एच से शुरू करते हैं एच जी सर सी एच थ्री जी सर सी टू एच फाइव और यहाँ सी थ्री एच थ्री कार्बन लगाने पड़ेंगे तभी ये कायरल होगा यानी टोटल कम से कम कितने कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 जी सर यानी कि 7 कार्बन की अगर अपन एल्केन ले लेंगे और उसमें ग्रुप डिफरेंट लगे होंगे तो वो ऑप्टिकली ऐसे कई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कहले एल्कीन एल्कीन तो की डबल बॉन्ड लगाएंगे तो यहां एक तो डबल बॉन्ड फिक्स करना ही पड़ेगा जी सर फिर CH3 फिर C2H5 एथाइल ग्रुप लगा देते हैं कह दे अल्कोहल तो CH तो करना ही पड़ेगा OH और यहां CH3 यहां C2H5 तो कितने सारे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं डायस्टेरोमर के लिए सिंपल सी बात यह है कि आप नाइदर मिरर इमेज नॉर सुपर इम्पोजिबल तो सीधे बात कर लेते हैं पहले तो इसको करेक्ट लिख लेते हैं अपने जी सर हम AB की बात करते हैं COH हाँ इसके और यहाँ यहाँ पे COOH आ जाएगा सर BR आपने रोटेट किया है तो क्या जाएगा BR H इस साइड में आ जाएगा H इस साइड में आ जाएगा यहाँ पे क्या जाएगा मिथाइल और यहाँ पे BR और H अब इसी को देख लेते हैं सीधे ये मिरर इमेज है नहीं है सर नहीं है सुपर इम्पोजिबल नहीं है सर नहीं है तो ये क्या हो गया डायस्टोमर तो मिल गया आंसर पहले में ये
ऐसे लकी चीज अपने लकी है, लेकिन आगे भी चेक करना पड़ता अपने। हाँ सर, ऐसे भी कह सकते हैं ना सर कि यानी कि अगर अपन किसी कायरल कार्बन में यानी कि हाँ। सारे कायरल कार्बन में इवन नंबर में स्विच कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा अपने को आइडेंटिकल, हाँ। और अगर ओड नंबर में स्विच कर देंगे तो अपने को क्या बन जाएगा इनेंसियोमर, हाँ। और अदर कॉम्बिनेशन यानी कि एक में इवन और एक में ओड तो वो क्या हो जाएगा डायस्टेरोमर, या फिर अपने आर आर जी सर एस ये डायस्टेरोमर होगा, ये भी डायस्टेरोमर होगा। या तो आपको मिरर में सुपरइम्पोज देखा नहीं आ रहा तो आरएस निकाल के देखो, एक एक फिक्स रहे दूसरा चेंज रहे तो क्या हो गया डायस्टेरोमर। नेक्स्ट, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है सर, नीट में आ चुका है, हाँ, नीट में भी आ चुका है, आईटी में भी आ चुका है। तो इसका सिंपल सा ऐसे बात कर लें, सी सी एफ सी एल बी आर बी आर आई आई, एक को इसमें फिक्स करते हैं जी सर, सी डबल बॉन्ड सी एफ, अब यहाँ कर दिया बी आर आई और सी एल, फिर एक को सी एफ यहां क्या कर दिया आई लगा दिया, आई बी आर और सी सी एल, अब ये तीन तो ये बन गए सर, और इनके ई जेड और बन जाएंगे, ई जेड और बन जाएंगे, तो ई जेड भाई इसका भाई एक ही चेंज चेंज हो गया, तो मतलब इसके भी दो और इसके भी दो, इसके भी दो, टोटल क्या हो गया सिक्स हो गया सर, तो अपना आंसर फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट, विदाउट कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, हाँ, यानी तो कि मॉलिक्यूलर सिमेट्री ना हो, ठीक है, एक बात देख लें, इवन नंबर डबल बॉन्ड हो तो इस और ए बी लगा हो उसमें जी सर, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा बिकॉज ऑफ ग्रुप डिफरेंस अनसिमेट्रिक जी सर। ठीक है, तो अपने इसको करिए काम जी सर, अपन एस बी एस से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर कोई वैसे नहीं चाहता तो, यानी कि डिफरेंट हो गया, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये दोनों ग्रुप है डिफरेंट, सिमेट्री नहीं हो सकती। ये देखिए सर, कायरल कार्बन है बिल्कुल जी सर, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, एक सीस है और एक ट्रांस है, इसका मतलब इसको काट नहीं सकते सर, इसका मतलब ये कैसा होगा एक्टिव होगा, यहाँ से काट सकते हैं सर, और यहाँ की अगर अपन बात करें तो इसमें कायरल कार्बन ही नहीं है सर, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इसके पास कायरल कार्बन है। ठीक है, मतलब आंसर अपना हो गया 1, 2, 3, 4, 3 और 6 सर, हाँ 1, 2, 3, 6 जी सर, फोर्थ ऑप्शन हो गया जी सर। ठीक है, फिर वही कहानी, ऑप्टिकल एक्टिव सिंपल, एक इसकी हल्की सी बात सुनाओ, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी ए बी लगाओ, हाँ जी सर, और ये वाई फिनिल में यहां ए बी लगाओ जी सर। ठीक है जी सर, यहां ए लगा हो तो नहीं हो सकता जी, और सर, डबल बॉन्ड कराउन ए लगा हो तो नहीं हो सकता, और कुछ भी और नहीं, तो भी नहीं, नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल, मतलब अपना आंसर कौन सा हो गया सेकंड हो गया सर, क्यों, क्योंकि इसमें रिपल्सन ये ऐसे हो गया, इसमें अनसिमेट्रिकल हो गया, तो ये हो गया जी सर। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन ये हो गए। ठीक है, अब बेटा इसको ऑप्टिकल एक्टिव की बात करी गई, नॉर्मली वन कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर होगा, एक से अधिक है तो हमें देखना पड़ेगा सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जिसमें कायरल कार्बन नहीं है फिर भी अनसिमेट्रिकल की वजह से वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, वो यही कंपाउंड है सर। ठीक है, एलीन एंड बाइफेनिल जी सर। ठीक है सर, बाइफेनिल की बातें और भी कर लें, फिर अपने नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर की बात जी सर, उसको आपको करना है, कंफर्मर एक इंपॉर्टेंट मैटर है, नॉर्मल एन ब्यूटेन अपने सिलेबस में है, एंटी गाउस पार्शियली क्लिप्स फुल्ली क्लिप्स, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई तो क्या हो गया गाउस। ठीक जी सर, तो इन बातों को आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन को पॉज करके आप देखिए। ठीक है, और आगे अपने बात करेंगे जीओसी की जी सर। ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो वीडियो जाएगा आपका उसमें जीओसी की बात करी जाएगी। थैंक यू, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें।